कहते हैं जिस किसी पर भी माता लक्ष्मी की कृपा हो जाए उसके जीवन में फिर कोई परेशानी नहीं आती। माता लक्ष्मी स्वास्थ्य, संतान, धन, वैभव तथा सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी हैं। वो जब किसी मनुष्य पर अपनी कृपा दृष्टि डाल देती हैं, उस मनुष्य का जीवन सफल हो जाता है। ऐसी ही एक पौराणिक कथा के अनुसार माता लक्ष्मी ने नौकरानी बनकर एक माली के घर में बरकत की और उसके परिवार को खुशियों से भर दिया। एक बार की बात है, भगवान विष्णु का मन शेषनाग पर बैठे बैठे बहुत उदास हो रहा था। उन्हें धरती पर घूमने की इच्छा हुई और वो अपनी यात्रा की तैयारी में लग गए। स्वामी को तैयार होता देखकर लक्ष्मी माता ने भगवान विष्णु से पूछा, अरे स्वामी, आज सुबह सुबह तैयार होकर कहाँ जाने की तैयारी में हो? देवी लक्ष्मी, पता नहीं मन कुछ उदास है, इसलिए मैं धरती लोक पर भ्रमण करने जा रहा हूँ। हे देव, आप धरती पर भ्रमण के लिए जाएंगे तो आपके बिना मेरा मन भी नहीं लगेगा। क्या मैं भी आपके साथ धरती लोक पर भ्रमण के लिए चल सकती हूँ? ठीक है देवी लक्ष्मी, पर उसके लिए तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। तुम धरती पर पहुँचकर उत्तर दिशा की ओर नहीं देखोगी। ठीक है स्वामी, मैं धरती पर पहुँचकर उत्तर दिशा में नहीं देखूंगी। मुझे आपकी शर्त मंजूर है। भगवान विष्णु की इस शर्त से माता लक्ष्मी सहमत हो गई और प्रातःकाल होते ही माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु धरती पर पहुँचे। उसी समय सूर्य उदय हुआ था। रात बरसात होकर हटी थी। चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। धरती की सुंदरता को देखकर माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्नचित हुई और भगवान विष्णु को दिया वचन भूल गई। माता लक्ष्मी धरती को देखती देखती कब उत्तर दिशा की ओर देखने लगी उन्हें पता ही नहीं चला। धरती का वातावरण देखने में कितना मनमोहक है, और वो फूलों से भरा खेत, ये तो कितने सुंदर फूलों से सजा हुआ है। मैं ये फूल यदि तोड़ लूं? उत्तर दिशा में माता लक्ष्मी को एक बहुत ही सुंदर फूलों का खेत नजर आया और उसी तरफ से खुशबू के साथ बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले थे। ये एक फूलों भरा हुआ खेत था। माता लक्ष्मी बिना सोचे समझे उस खेत में चली गईं और एक सुंदर सा फूल तोड़कर ले आईं। जब माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास वापस आई तो भगवान विष्णु की आंखों में आंसू थे। ये देखिए स्वामी, कितना सुंदर फूल है। अरे स्वामी, आपकी आंखों में ये आंसू, क्या हुआ स्वामी? क्या मुझसे कोई गलती हुई है? बताइए स्वामी। देवी लक्ष्मी, आप मेरा वचन याद नहीं रख पाईं। शर्त के अनुसार आपको उत्तर दिशा में नहीं देखना था, और साथ ही साथ आपको ये भी सोचना था कि किसी की कोई भी वस्तु को कभी भी किसी से बिना पूछे नहीं लेना चाहिए। स्वामी, मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। देवी लक्ष्मी, आपने जो भूल की है उसकी सजा आपको जरूर मिलेगी। जिस माली के खेत से आपने बिना पूछे फल तोड़े हैं, ये भी एक प्रकार की चोरी है। इसलिए देवी लक्ष्मी, आप 3 वर्ष तक माली के घर में रहेंगी। इसके बाद मैं स्वयं आपको वैकुंठ वापस बुलाऊंगा। जैसी आपकी आज्ञा स्वामी। माता लक्ष्मी ने चुपचाप सिर झुकाकर वचन स्वीकार किया और भगवान विष्णु वैकुंठ लौट गए। माता लक्ष्मी ने गरीब लड़की का रूप धारण कर लिया। खेत के मालिक का नाम माधव था। माधव की पत्नी, 2 बेटे और 3 बेटियां थी। सभी उस छोटे से खेत पे काम करके किसी तरह से गुजारा करते थे। खेत के पास ही माधव की झोपड़ी थी। माता लक्ष्मी माधव की झोपड़ी पर जाती है। माधव लड़की को देखकर पूछता है, तुम कौन हो और इस समय तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? मेरा नाम लक्ष्मी है, मैं एक गरीब लड़की हूँ। मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं। मैंने कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया। मुझे कोई भी काम दे दो और मैं तुम्हारे घर का काम भी कर दिया करूंगी। बस मुझे अपने घर में एक कोने में आसरा दे दो। माधव बहुत ही अच्छे दिल का आदमी था। उसे लड़की पर दया आ गई। वो लड़की से बोला, देखो बिटिया, मैं तो बहुत ही गरीब माली हूँ। मेरी कमाई से मेरे घर का खर्च बड़ी मुश्किल से चलता है, लेकिन अगर मेरी 3 की जगह 4 बेटियां होती तो भी मैंने ही गुजारा करना था। जैसा रूखा सूखा हम खाते हैं वही खिला सकता हूँ। यदि तुम मेरे यहाँ यही रूखा सूखा खाकर खुश रह सकती हो तो अंदर आ जाओ।
आपने मुझे अपनी झोपड़ी में शरण दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माता लक्ष्मी 3 साल माधव के घर पर नौकरानी बनकर रही। जिस दिन माता लक्ष्मी माधव के घर आई थी, उसी दिन से ही माधव को इतनी आमदनी हुई कि उसने एक गाय खरीद ली। अजी, ये नई गाय खरीद लाए, ये तो बहुत अच्छा हुआ, आज तुम्हारी आमदनी बहुत अच्छी हुई। सरला, सब माता लक्ष्मी की दया है। माधव, मैंने कोई चमत्कार नहीं किया, ये सब तुम्हारे दयालु स्वभाव का ही फल है जो आज तुम्हें प्राप्त हुआ है। तुमने तो मुझे एक गरीब लड़की समझकर अपने घर में शरण दी है। धीरे धीरे माधव की आमदनी अच्छी हो गई। उसने जमीनें खरीद ली और फिर एक बड़ा पक्का घर भी बनवा लिया। सारी सुख समृद्धि, गहने, कपड़े, जेवर सब कुछ अब माधव और उसके परिवार के पास था। लक्ष्मी माधव के घर और खेत में काम करती रहती थी। एक दिन माधव ने सोचा, मुझे ये सब इस लड़की लक्ष्मी के आने के बाद मिला है। जब से ये मेरे घर आई है, मेरी किस्मत ही बदल गई है। माधव लक्ष्मी के बारे में सोच में ही था कि एक दिन जब वो अपने खेत से काम खत्म करके घर आया, तो अपने घर के सामने द्वार पर एक देवी स्वरूप गहनों से सजी एक लड़की को देखकर हैरान रह गया। उसने ध्यान से देखा, अरे ये तो मेरी मुंह बोली बेटी यानी लक्ष्मी है क्या? ये तो साक्षात माता लक्ष्मी है। सरला, सरला बच्चों के साथ बाहर आओ, माता लक्ष्मी स्वयं हमारे द्वार पर आई है। माधव का पूरा परिवार बाहर आ गया। सब हैरान होकर माता लक्ष्मी को देख रहे थे। माता लक्ष्मी, हमें माफ करना, हमने अनजाने में आपसे अपने घर और खेत का काम करवाया। माता, हम आपको पहचान नहीं पाए, हमसे ये कैसा अपराध हो गया। माता, हम सबको क्षमा कर दो। माधव, तुम बहुत ही नेक दिल और दयालु व्यक्ति हो। तुमने मुझे आश्रय दिया, 3 साल तक अपनी बेटी की तरह रखा। इसके बदले मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियों की और धन की कमी नहीं रहेगी। तुम्हें सारे सुख मिलेंगे जिसके तुम हकदार हो। माधव को और उसके परिवार को आशीर्वाद देकर माता लक्ष्मी अपने स्वामी भगवान विष्णु के द्वारा भेजे रथ में बैठकर बैकुंठ चली जाती है। माधव और उसका परिवार हाथ जोड़कर माता लक्ष्मी का गुणगान करता है।